पंजाबिस्तान दी जानिब तों जनाब डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू जी दी रचना मंसूर भाग दूजा। 50 साल दी उम्र विच ओ शिबली नू मिलिया ते पहली वार उस पास जाके अनल हक कहा ते मार्फत दे भेद खोले। शिबली तुर्की दा वड्डा विद्वान अते शायर सी। बगदाद विच उस दी विद्वता दी बड़ी प्रसिद्धि सी। ए ओही शिबली सी जिस बारे पंजाबी तां की बड़ियां जबाना विच उलांबियां परे लोक गीत प्रचलित होए कि उसने मंसूर नू ओदों फुल मारिया जदों लोक उस नू पत्थर मार रहे सन। मंसूर नू काफर जान के गिरफ्तार करके बगदाद दियां गलियां विच घुमाया जा रहा सी। तां सरकार दा हुक्म सी कि जेड़ा उस नू देखे पत्थर मार के लंघे। राह विच शिबली आ गया। पत्थर दी थां उसने मंसूर दे फुल मारिया। शिबली कुछ भी ना मारदा तां उस नू डर सी कि किते खलीफा हुक्म अदूली दी सजा ना दे देवे। ते पत्थर इस करके नहीं मारिया क्योंकि उस नू पता सी मंसूर कामल फकीर है। उसने फुल मारिया तां मंसूर जार जार रोया ते कहा, ए तू की कीता, तू जा हुकूमत दा खिदमतगार बनदा जा मेरा मित्र। जे हकूमत दी गल मननी सी तां पत्थर मारदा, जे मेरा मित्र हुंदा हकूमत तों ना डरदा। फुल मार के तू दो बेड़ियां विच पैर रख्या है। तेरे वर्गे विद्वान तों अजिही मैनू उम्मीद नहीं सी क्योंकि मैनू लगदा हुंदा सी तू मार्फत दे पेल जान गया है ते मेरा मित्र है। बगदाद दा खलीफा अल मुक्तादिर सी जिस दी माता महाराणी शगाब मंसूर दी मुरीद सी। वजीर हमीद भी मंसूर दा शागिर्द सी। इसे करके लम्मा समा उस विरुद्ध कुफर दा मुकदमा सुनिया गया पर काजी अबू उमर फतवे ते फतवा जारी कर रहा सी ते मंसूर अपने हक विच कुछ नहीं सी आखदा। उसने अपने बचाओ दी थां शहादत नूं तरजीह दित्ती। उसने बगदाद दे लोकां नूं कहा, मेरा कतल न्याय अनुसार है, इसलिए न्याय करो अते जल्दी मैनू मौत दे घाट उतारो। एक राह गुजर ने कहा, असी तुहानू क्यों मारीए? तां मंसूर ने कहा, इस करके कि इस नाल तुसी इतिहास विच गाजी अखवाओगे जिन्हां ने एक काफर नू मारन दा पुन कारज कीता ते मैं शहीद अखवावांगा, दोवां दा पला होवेगा। पर बगदाद निवासी उस नू प्यार करदे सन ते मारना तां की उस लई बुरा सोचदे तक नहीं सन। अहमद इबन हंबल मुसलमाना दा बड़ा कट्टरपंथी नेता सी जिसने हदीस तैयार कीती सी जिस विच पैगंबर मुहम्मद दे कुरान तों बाहरले कथन अते कारनामे संभाले हुए हन। मुसलमान इस हदीस दा बड़ा सतिकार करदे हन। हंबल ने मंसूर विरुद्ध केस तैयार करके जिस प्रकार पेश कीता उस तरह कोई भी इस्लामी हुकूमत हुंदी मंसूर विरुद्ध फैसला होना ही होना सी क्योंकि इस्लामी शरा अनुसार मैं रब हाँ दा सिद्धांत कुरान दी सिख्या दा विरोधी है। जिथे रब ही सब कुछ है ते उस दा कोई शरीक नहीं। बचा दे ढंगा तरीकियां नू लभण दी थां मंसूर नवे नवे कुफर दा ऐलान करदा। उसने कहा, अग पवित्र है क्योंकि इसे विच तां रूहां नाच करदियां दिसदियां हन। अपनी झोंपड़ी विच उसने एक पत्थर रख लिया जिस नू उसने काबा कहा ते दुआले जियारत करनी शुरू कर दित्ती। उसने कहा, मैं चन्न तारिआं अते कहकशां दा मालक हाँ ते मर्जी नाल इन्हां नूं घुमा रहा हाँ। उसने ये भी आख्या, जल्दी ही मेरे महबूब दी उंगल मैं अपने खून नाल पवित्र करांगा। ओ शगना दी घड़ी आउण ही वाली है। उस दी कविता दे ये बंद हन, तेरे नाल मिलना लख सुरगां तों चंगा है, दोजख होर की है सिवाए तेरे विजोग दे, सारे जहान दे गुनाह मुआफ कर मेरे ना करी, मैं तेनू मोहब्बत कीती जो ना काबिले मुआफी जुर्म है, तू मैनू इश्क दी अग विच 100 वार साड़िया, 1000 वार साड़ के साड़ा इश्क 1000 गुना है 100 गुना नहीं। उसने लिखिया, कतल कर मित्र जल्दी कर, हुण तेरे नाल मिलाप दा एहो राह बचया है, मौत मेरा जीवन होवेगी ते मौत दी नींद सोना मेरा जागना होवेगा, पूरी तरह जहान तो मिट जाना मेरा वड्डा रुतबा है, बेअंत वड्डा मरातबा, मैनू हवा पानी अग अते मिट्टी विच मिल जान दियो,
तद धरती विच दब्बे मुहब्बत दे बीजां उत्ते जोबन वंतियां शराब वर्गे पाणियां दी बारिश करनगियां। देख लैणा इस जहान विच सत्ते दिन किंज फुल्लां दे हड़ आउणगे। जदों उस नूं सजावां दित्तियां जा रहियां सन तां लोक उस दे आले दुआले खलोते हुंदे सन। जल्लाद ने मंसूर दे सिर विच लोहे दी सलाख मारी तां भीड़ विच सनसनी फैल गई। लोक दुआवां करन लगे। मंसूर ने कहा, ऐ बगदाद दे लोको, तुसी हजारां बेगुनाहां ते मासूमां नूं मारिया, फिर इस गुनाहगार नूं मारन वक्त तुसी कंबे क्यों, डर क्यों गए? उसने कहा, हे मालक, जो तू मैनू दिता जे इन्हां लोकां नूं भी दिता हुंदा मेरे नाल ए नहीं होना सी जो होण लगा है, जां जिस वस्त तों तू इन्हां लोकां नूं वंचित रख्या है। जे मैनू भी वंचित रख्या हुंदा तद भी ए नहीं होना सी जो हो रहा है। पर जो तू करें सो पला, जिमें तू रखें सो पला। आमीन। उसनू पता सी कि उस दी देह नू साड़ के सुआह कर देना है। जेल दी काल कोठड़ी विच्चों प्राप्त हुई उस दी आखरी कविता ए है, पलक दी रात मेरी सुआह मेरा विछोणा बनेगी, पलक दी रात ओ अपागी रात होएगी, जद मैं अपना विछोणा अपने हंजुआं नाल नहीं प्यों सकांगा, हर वक्त तू आखदा सैं तेरे पास होवांगा, एथे ही रही नेड़े तेड़े अते इश्क दे रंग तकी। ईस्वी 911 विच मंसूर दे मुकदमे दा केस वजीर अली इबन मूसा दे सपुर्द कर दिता गया। वजीर ने केस दी पड़ताल उपरंत फैसला दिंदियां कहा कि इस्लाम विरुद्ध कुफर दा केस साबित नहीं हुंदा क्योंकि मंसूर ने अजेही अवग्या नहीं कीती, पर कुछ कथन उस दे एतराज योग हन। वजीर ने कहा कि इस दी दाढ़ी मुन दिओ, कोड़े मारो, चार दिन तक सवेर तों शाम रुख नाल लटका के रखो, इस पिछों हर शाम जंजीरां विच जकड़ के जेल विच सुटो। यह सजावां दे के उसनू जेल विच बंद कर दिता जांदा। जेल विच केवल कैदियां ने ही नहीं, जेल दे मुलाजमां अते अफसरां ने भी उसका पूरा सत्कार किया। उस लई एक वखरा कमरा उसारिया गया अते गलीचे विछा दिते गए। उसनू नौकर रखन की आग्या सी अते मुलाकातियां नाल मिल सकता सी। महाराणी अक्सर उसके उपदेश सुनन जेल विच आउंदी अते अरजोइयां करदी कि बगदाद नू बददुआ ना देनी। मंसूर आखदा, फकीर कदी बददुआवां नहीं दिंदे हुंदे पर झूठ भी नहीं बोलदे। मैं बददुआ नहीं दिंदा, सच कहिंदा हाँ, मैनू बगदाद बर्बाद हो रहा दिस रहा है। फर्क इन्ना है कि पहलों मेरी बर्बादी होवेगी, उस पिछों बगदाद की तबाही यकीनी है। उस दी प्रसिद्धि दूर दूर फैल रही सी पर नाल नाल हंबलां दी ताकत भी वध रही सी ते उन्हां ने बादशाह नूं धमकियां देणियां शुरू कर दित्तियां सन कि इस नास्तक नाल लिहाज कीता जा रहा है। हंबलां तों बादशाह नूं खतरा दिस रहा सी क्योंकि उसने बगदाद नूं चारे पासों घेर लिया होया सी अते ललकार रहे सन। खलीफा शराब दे नशे विच धुत सी अते अद्धी रात नूं उस पासों मंसूर दी मौत दे वारंट उत्ते दस्तखत करवाए गए। सवेर सार मंसूर नू मौत दी सजा दा हुक्म पढ़ के सुनाया गया। ए मंगलवार दा दिन सी। हुक्म सी के कल नू फांसी दित्ती जाएगी, अगले दिन अग विच जिस्म साड़िया जाएगा ते फिर सुआह हवा विच उड़ा दित्ती जाएगी। उसने हुक्म सुनिया, अल्लाह दा शुक्र कीता अते बंदगी विच लीन हो गया। मुरीदां दी भीड़ आले दुआले जुड़नी शुरू हो गई। लोग अनेकां प्रश्न करन लगे। एक जवान ने पुछया, हजूर इश्क की हुंदा है? मंसूर ने कहा, इश्क तू अज देखी, फिर कल देखी, फिर परसों देखी। काजी ने मंसूर नू पुछया, तू अपने आप नू रब आखदा है पर नमाज भी पढ़दा है, कुरान विच तां अल्लाह दियां सिफतां कीतियां होईयां हन, फिर तू इसका पाठ क्यों करदा है? मंसूर ने कहा, अपनी सिफत अपने मुँहों सुनन विच जो नज़ारा आउंदा है वह दूजियां पासों सुनन विच नहीं, भावें कि दूजे भी मेरियां सिफतां कर रहे हैं। उस दे हाथ कट दिते गए। तद उसने काजी नूं कहा, यह हाथ मेरे कट दिते हैं जो तैनू दिसदे सन, तू उन्हां हत्थां नूं किवें कटेंगा जिहड़े कहकशां तक अपड़े होए हैं? फिर उस दे पैर कट दिते गए। मंसूर ने कहा, तुसीं मेरे ये पैर कट दिते हैं सो भला होया,
पर ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਬਕ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਲ ਹਲਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਜਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਬਲੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਲਾਖ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਫਾੜ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ 26 ਮਾਰਚ 922 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਘਟੀ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅੰਤ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ। ਜੱਲਾਦ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸਾ ਉਹ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।